गुड आफ्टरनून ऑल गुड आफ्टरनून जय हिंद आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट तो आज का सेशन मैं आप लोगों के लिए पार्ट टू लेकर आया हूं और इस पार्ट टू में आज आप लोगों के लिए एक और जो हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी सभी के स्टेटमेंट बेस्ड और वन लाइनर क्वेश्चंस का एक मिक्स्ड बैग हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करेंगे क्लियर तो ये जो सभी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के अपकमिंग सी डी एस सी ए पी एफ एफकेट इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी ये रिवीजन आप लोगों की एक इनडेप्थ डिटेल्ड रिवीजन ये सीरीज आपको करा सकती है सो so, यहां पर कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये 500 क्वेश्चन क्या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है क्या इससे ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है तो मैं एक चीज बता देता हूं कि इस में, अगर मैं आप लोगों के साथ फाइव हंड्रेड डिस्कस करता हूं इट इज नॉट जस्ट द्वेश्चन ओके बट दीज फाइव हंड्रेड क्वेश्चन विल हैव क्लोज टू टू हंड्रेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एटलीस्ट ओके इट विल हैव एटलीस्ट टू हंड्रेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओके तो आप लोगों के लिए पांच सौ क्वेश्चन की वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि आपके लिए दो सौ जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे तो चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन हो चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो उन सभी के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो है, ये जो ठीक है टॉपिक्स आपके साथ के साथ के रिवाइज होते जाएंगे और ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लियर तो आपने कल भी देखा था कि कल मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आया था उसमें हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी ठीक है करंट उसके काफी क्वेश्चन आज के सेशन में भी जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं वो भी मिक्स बैग है तो डेली मिक्स प्रैक्टिस ही यहां पर लाई जाएगी क्लियर अच्छा और सेशन जो है वो आगे चलाने का हौसला तभी बढ़ता रहेगा जब आप लोग जो है ठीक है यहां पर सेशन को शेयर करते रहिए अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लियर सो लेट एवरीवन वन एंजॉय दिस लेट एवरीवन रिवाइज दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दी सेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आकाश सर आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज लेकर आ रहे हैं ऐप पर क्लियर ये जो सीरीज है ये बेसिकली आप लोगों के स्टार्ट होती है एट्थ ऑफ जून से ओके मीन्स डे आफ्टर टुमारो क्लियर एट्थ जून से ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है शाम को सात बजे बाइजूज एग्जाम प्रेप ऐप पर क्लियर और इस सीरीज में वो सभी जो जीके के टॉपिक्स है क्लियर उनकी एक डिटेल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो ये मान के चलिए कि जो है वो आप लोगों का एक सीरीज से ही कंप्लीट हो जाएगा क्लियर सो फ्रॉम एट्थ ऑफ जून ऑनवर्ड्स ओके आप ये देख सकते हैं कि ये जो सीरीज है दैट इज अबाउट टू स्टार्ट क्लियर तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंजाब हिंदू सभा ओके फर्स्ट इट वॉज एस्टैब्लिश बाय लाला लाजपत राय लाल चंद एंड शादी लाल सेकेंड इट वॉज सक्सेसर ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा ठीक है बताइए तो यहां पर ये यह जो सीरीज है अच्छा इसका जो टाइम डेट है वो सभी आप लोगों को अपडेट हो जाएगा डोंट वरी ओके okay. तो बताइए कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंजाब हिंदू सभा फर्स्ट इट वाज एस्टैब्लिश बाय लाला लाजपत राय लालचंद एन शादी लाल सेकेंड इट वॉज सक्सेसर ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा बताइए बिल्कुल एमजीएफ जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बताइए विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज अब यहां पर आंसर दीजिएगा अब ये पंजाब हिंदू महासभा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए देख लीजिए पंजाब के लीडर्स इंपॉर्टेंट लीडर्स क्लियर फर्स्ट स्टेटमेंट इट वाज एस्टेब्लिश बाय लाला लाजपत राय लालचंद फलक एंड शादीलाल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्लियर सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ओके सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट वाज दी सक्सेसर ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा ठीक है तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ट इज इनकरेक्ट ओके सो इट वॉज नॉट दक्सेसर ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा एंड दस दियर इज ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए आप लोगों का यहां पर करेक्ट आंसर है क्लियर ओके सो आंसर इज ऑप्शन ए ठीक है आई होप आप सभी लोगों को यह समझ आ रहा है ठीक है ओके अच्छा अब सवाल उठता है कि यह सर सक्सेसर क्यों नहीं मान सकते पंजाब हिंदू सभा एस्टैब्लिश हुई 1909 में क्लियर हिंदू महासभा 1915 क्लियर ओके okay. तो ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि अगर हिस्ट्री में आपको सिर्फ एक बेसिक क्रोनोलॉजी भी याद है ओके okay? आप आराम से यहां पर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं क्लियर तो बेसिक क्रोनोलॉजी भी अगर आपको पता है आप आराम से यहां पर पेपर में क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर सकते हैं क्लियर चलिए मूविंग अहेड नेक्स्ट अगला सवाल कंसिडर दिस्पेक्ट टू बंग भाषा प्रकाशिका सभा बंग भाषा प्रकाशिका सभा को ध्यान में रखते हुए बताइएगा ओके फर्स्ट इट वॉज फॉर्मड बाय राजा राम मोहन रॉय इन एटीन थर्टी सिक्स सेकेंड इट वॉज अ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रेशराइजिंग दी ब्रिटिश थ्रू स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट बताइए हां बिल्कुल आशीष जी अधिकतर क्वेश्चन जो हैं

अगर आप सिविल सर्विसेज का भी पेपर उठा लोगे नो पॉलिटी क्वेश्चन वॉज आउट ऑफ दैट ठीक है तो सभी जो डिटेल में डिस्कस होते रहते हैं जस्ट डोंट वरी ओके बताइए विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज ओके अब पहली स्टेटमेंट इट वाज फॉर्म्ड बाय राजा राम मोहन रॉय गलत ओके okay? अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ठीक है Mohan Roy. Mohan Roy, है, उनके कुछ साथ ही जो थे उनके द्वारा यह स्थापित की गई क्लियर सेकेंड इट वॉज अ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रेशराइजिंग दी ब्रिटिश थ्रू स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट अगेन इट इज रॉन्ग ठीक है ये अंग्रेजों के साथ जो वेलफेयर पॉलिसीज थी उन्हें डिस्कस करने के लिए थी नॉट बेसिकली टू कंडक्ट स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट क्लियर सो आंसर हेयर इन इज ऑप्शन डी नीदर वन नॉर टू क्लियर नीदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर हेयर ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ओके okay. अगला सवाल देखते हैं यहां पर असर्शन रीजन का ठीक है असर्शन है मित्र मेला वॉज रीनेम्ड एज अभिनव भारत बाय वीर सावरकर ओके, रीजन है दी रिमेनिंग रीनेमिंग वाज डन ड्यू टू इंस्पिरेशन बाय कार्ल मार्क्स बताइए एसोशन रीजन विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज क्या हो सकता है अरे एमजीएफ जी सीरीज तो बढ़िया है पर टॉपिक भी तो पढ़ने पड़ेंगे बिना टॉपिक पढ़े थोड़ी कंसेप्ट थोड़ी क्लियर होगा मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ यहां पर बताइए विच ऑफ ओके अब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखता हूं मित्र मेला वॉज रीनेम्ड एज अभिनव भारत बाई वीर सावरकर ये ठीक है स्टेटमेंट क्लियर सेकेंड स्टेटमेंट कहती है बाय कार्ल मार्क्स ये गलत है ठीक है यहां पर इटली जो है ठीक है इटली में आ, एक लीडर हुआ करते थे मेजिनी ठीक है उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी यंग इटली ओके सो ही हैज रीनेम्ड इट बाई टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मैजिनी इज यंग इटली क्लियर सो आंसर इज ऑप्शन सी एज ट्रू बट आर इज फॉल्स ठीक है क्लियर चलो अगला सवाल बताइए नेक्स्ट नेक्स्ट मैजदीक फॉलोइंग ओके कॉलम वन ओके okay. जो न्यूज़पेपर और जर्नल्स हैं और उनके फाउंडर और एडिटर कौन थे न्यूज़पेपर जर्नल ओके okay. और उनके एडिटर्स कौन है बताइए मैच देम विच ऑफ दीस मिरातुल अखबार तहजीबुल अखलाक और अल हिलाल ये अल हिलाल तो इतने ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है ना पहले ही सीडीएस में इतनी ज्यादा बार पूछा गया है कि अल हिलाल में तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए बताइए विच ऑफ दीस अब चलिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अल हिलाल मार्क कर लिया मौलाना आजाद के साथ ठीक है क्लियर? ओके okay. तो यहां पर अब या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा ठीक उसके बाद मिरातुल अखबार वॉज बाय राजा राम मोहन रॉय एंड तहजीबल अखलाक वॉज बाय सर सैयद अहमद खान सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट विच अमंग फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय श्री औरबिंदो घोष बताइए अरे अश्विनी जी ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहां पे तो हिंदी इंग्लिश की दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए ओके विच ऑफ दी फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटर्न बाय श्री औरबिंदो घोष इनमें से कौन सी बुक औरबिंदो घोष जो है उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी बताइए विच बुक

ठीक है ये जो बुक थी ये मीरा अल्फासा के द्वारा लिखी गई थी क्लियर सो रेस्ट ऑल दी बुक्स हैव बीन रिटन बाय श्री औरबिंदो घोष ओके नेक्स्ट बताइए विच ऑफ फॉलोइंग और आर अ प्रोविजन ऑफ कॉर्न वॉलिस कोड बताइए इनमें से कौन से कॉर्नवॉलिस कोड के प्रोविजन है कॉर्ड कोड के प्रोविजंस आपको बताने हैं विच ऑफ दीज कॉर्न कोड ओके कॉर्न को आप ये देखते हैं कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है क्यों क्योंकि एक जो ब्यूरोक्रेसी का कैटेगराइजेशन था ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू दैट वाज डन बाय कॉर्न ठीक है बताइए फर्स्ट इट एस्टेब्लिश अ रेवेन्यू कलेक्शन स्कीम विच लास्टेडियथ सेंचुरी ओके सेकेंड इट डिवाइडेड ईस्ट इंडिया दर्विस पर्सनेल इन टू फोर ब्रांचेस थर्ड दिस्टम गेव अ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी टू बंगाल ठीक है पहली बात अब यहां पर आप एक स्टेटमेंट आराम से उठा दी उठा लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये तो किसी भी स्थिति में सही नहीं हो सकती क्लियर कि यहां पे अगर हम बात करें तो कॉर्नवॉलिस कोड से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है क्लियर तो थर्ड ऑप्शन जो है वो तो आपका वैसे ही रूल आउट हो गया ठीक है तो बी भी गया ये भी गया और ये भी गया ठीक अब सिंपल ओके okay? अब आप देखो कॉर्न कोड फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी आई थी यहां पर कैटेगराइजेशन हुआ क्लियर तो उससे ठीक है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का क्या रिलेशन ओके सो जब आपने यहां पर यह मैच कर लिया कि थर्ड स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती बाय डिफॉल्ट द आंसर इज ऑप्शन ए क्लियर इट एस्टैबलिश द रेवेन्यू कलेक्शन स्कीम विच लास्टेड अंटिल द्वेंटीएथ सेंचुरी क्लियर एक रेवेन्यू कलेक्शन स्कीम विच लास्टेड अंटिल द्वेंटीएथ सेंचुरी दैट इज करेक्ट ठीक चलो नेक्स्ट मूविंग अहेड नेक्स्ट अवंग दी फॉलेज इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी बताइए फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी बताइए भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक माना जाता है किन्हीं माना जाता है सिंपल यहां पर आप सोचो बॉटनिस्ट कौन है ओके, सो करेक्ट आंसर हेयर इन ऑप्शन ए एम ओके एलन ऑक्टिवियन ह्यूम हु एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी क्लियर चलो मूविंग अहेड नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड नॉट सी द प्रेजेंस ऑफ सन्यासी रिवोल्ट सन्यासी रिबेलियन इनमें से कौन से राज्यों में नहीं हुआ था बताइए विच ऑफ दीज अरे बर्ड मैन ऑफ इंडिया नहीं फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी पूछा गया था बताइए विच ऑफ दी स्टेट डिड नॉट सी द प्रेजेंस ऑफ सन्यासी रेबेलियन सन्यासी रेबेलियन ओके, okay. सो so, सन्यासी रेबेलियन की अगर बात की जाए तो बंगाल बिहार यूपी ये तीनों इलाके फेमस रहे थे क्लियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ठीक है मध्य प्रदेश का जो इलाका था वहां पे सन्यासी रेबेलियन जो था उसका कोई भी लेना देना नहीं रहा था ओके नेक्स्ट डच बिगैन देयर रूल इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस बताइए डच रूल जो था वो कहां से स्टार्ट हुआ था विच ऑफ दीस द डच रूल स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बताइए डच रूल कहां से डच एडमिनिस्ट्रेशन डच रूल जो था इट स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस इज इट कोचीन पुलिकट गोवा वेल्लोर बताइए दी डच रूल स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस ओके यहां डच रूल की बात की गई है देखो कोचीन अगर हम एसोसिएट करते हैं इट इज नॉट विद डच ठीक है कोचीन को हम एक प्रोमिनेंट ट्रेडिंग प्लेस के तौर पर हम एसोसिएट करते हैं यहां पर पोर्चुगीज के साथ ठीक है क्लियर तो कैलिकट कोचीन पोर्चुगीज के लिए मशहूर रहे ठीक है सेम गोवा भी उनके लिए अब ऑप्शन बचता है या तो पुलिकट या वेल्लोर क्लियर सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन बी पुलिकट ठीक है पुलिकट इज दी करेक्ट आंसर आप ये देख सकते हैं डच जो है इंडिया में ऑलमोस्ट सिक्सटीन से आ, जो है वो इंडिया में आ गए थे ठीक है उसके बाद आने के बाद उन्होंने पटनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी क्लियर तो यहां पर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन था ठीक है दैट स्टार्टेड फ्रॉम पुलिकट और पुलिकट वाज देयर मेन सेंटर ऑफ ट्रेड ठीक है सभी के आप देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे थे जैसे पोर्चुगीज का इंपॉर्टेंट सेंटर गोवा रहा ठीक है डच का पुलिकट रहा क्लियर फ्रेंच का पोडिचेरी रहा क्लियर तो इस प्रकार से और ब्रिटिश जो रहे थे उनका प्राइमेरिली बॉम्बे आप देख सकते हैं मद्रास देख सकते हैं और कैलकटा देख सकते हैं क्लियर ओके okay, चलो नेक्स्ट विच ऑफ द्रीटीज एंडेड दर्स्ट फेज ऑफ सेकंड एंग्लो अफगान फॉर बताइए विच ऑफ द्रीटीज एंडेड दफगान वॉर बताइए सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की बात कीजिए सेकंड एंग्लो अफगान फॉर से ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिशर्स जो थे इट वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर देम ठीक है मेजर सेटबैक अरे प्रिंस ब्रिटिश ने तो अपना ट्रेड सूरत से भी स्टार्ट किया था मसूली पटरम में फॉर्मल फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी ठीक है बट अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट सेंटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बोले थे पिछले में ठीक है बताइए विच ऑफ दीज सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो है कौन सी ट्रीटी हुई आंसर इज ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ गंदामक ओके okay. गंदामक ट्रीटी जो हुई थी इट वॉज साइंड इन बिटवीन किंग मोहम्मद याकूब खान ठीक है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके बीच में साइन की गई थी क्लियर एंड दिस एंडेड दी सेकंड फेज क्लियर ओके नेक्स्ट हु अमंग दी फॉलोइंग रेज द स्लोकन हेल दी सोल्जर हेल दी फार्मर हेल सोल्जर हेल दी फार्मर वॉज दी स्लोगन रेस्ड बाय हुम बताइए विच ऑफ दिस हु दिस स्लोगन बताइए अब इसे सिंपल अगर मैं बोल दू जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान का जो नारा था यह किनके द्वारा दिया गया था सिंपल क्वेश्चन है अभी ये अगर यहां पर हेल्दी सोल्जर हेल्दी फार्मर जो है उससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री ठीक है सो इट वॉज लाल बहादुर शास्त्री ओके हु हैड रेज्ड दिस स्लोगन क्लियर नेक्स्ट ओके विच अमंग फॉलोइंग इज और आर दी कलेक्टिव प्रिविलेजेज एंजॉयड बाय दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताइए विच अमंग द फॉलोइंग वाज़ दी आर दी कलेक्टिव प्रिवलेज एंजॉयड बाय दी एमपीज़। बताइए विच ऑफ दीज आर दी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर दी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंजॉयड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताइए विच ऑफ दीज विच दी फॉलोइंग आर दी कलेक्टिव प्रिविलेजेस। बताइए कलेक्टिव प्रिविलेजेस पूछी गई है फर्स्ट कैन रिफ्यूज टू गिव दी एविडेंस और बी आर विटनेस ड्यूरिंग दी पार्लियामेंट सेशन अब ये जो प्रिविलेज है ठीक है ये अगर हम इस प्रिविलेज की बात करें सो दिस इज बेसिकली इंडिविजुअल प्रिविलेज ये एक इंडिविजुअल मेंबर के पास है ठीक है तो हम कहते हैं ना कि अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एग्जेमटेड फ्रॉम एनी ज्यूरी सर्विस ड्यूरिंग दी सेशन ऑफ पार्लियामेंट ठीक है पार्लियामेंट के सेशन के दौरान किसी भी ज्यूरी सर्विस से एग्जेमटेड होता है सर्विस का मतलब है कि किसी भी प्रकार से किसी केस में गवाह के तौर पर बुलाया जाना ठीक है या कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना इससे एक्जन है ओके सेकंड नो कोर्ट कैन एक्वायर इन टू दी प्रोसीडिंग ऑफ हाउस ऑफ एनी कमिटी ये बिल्कुल ठीक है ये कलेक्टिव प्रिविलेज है कि एज अ होल पूरे हाउस के पास क्या अवेलेबल है ठीक तो ध्यान से सुनते रहो कि यहां पर यह एक व्यक्ति विशेष के लिए आपसे पूछा गया है कि पूरे संसद के लिए कौन सी ऐसी प्रिविलेजेस हैं जो एंजॉय की जाती है थर्ड राइट टू हैव अ सीक्रेट सिटिंग अब सीक्रेट सिटिंग जो है इसका मतलब है विदाउट एनी मीडिया कवरेज विदाउट एनी मीडिया कवरेज ठीक है बिना किसी मीडिया कवरेज से उसे सीक्रेट सेटिंग सीक्रेट सेटिंग कहते हैं तो यह अधिकार है संसद का संसद ऐसा चाहे तो कर सकता है क्लियर सो आंसर हेयर इन इज ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओनली क्लियर ओके नेक्स्ट विच दी फॉलोइंग रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन बिल इज करेक्ट बताइए एप्रोप्रिएशन बिल को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है अमंग्स दी फॉलोइंग रिगार्डिंग दोप्रिएशन बिल इज करेक्ट बताइए एप्रोप्रिएशन बिल बजट में जो बनाया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब है जो एक्सपेंसेस का पार्ट है ओके एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब के एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएट जो होने हैं क्लियर और फाइनेंस बिल का मतलब है इनकम पार्ट ऑफ द बजट ठीक बताइए फॉलोइंग रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन बिल इज और बताइए दी गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस दोप्रिएशन बिल इन ईदर हाउस गलत है ठीक है हो ही नहीं सकता द अप्रोप्रिएशन बिल इज नॉट अ मनी बिल फिर क्या है अप्रोप्रिएशन बिल जो है बजट का हिस्सा है ठीक है तो एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड क्या दी राज्यसभा हैज दी पावर टू रिकमेंड एनी अमेंडमेंट इन दिस बिल अब अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए ठीक है तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह के यहां पर जो सिचुएशन है क्लियर मनी बिल में हमने लंब एक चीज पढ़ी है क्लियर मनी बिल में राज्यसभा रिकमेंडेशन दे सकता है ठीक है दी राज्यसभा हैज दी पावर टू रिकमेंड ओके बट लोकसभा में मे नॉट एक्सेप्ट ठीक है लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट क्लियर तो ये सी जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट ओके तो नन ऑफ दी अब तो हो ही नहीं सकता ओके okay. आप यहां पर देखेंगे राज्यसभा जो है रिकमेंड तो कर ही सकती है माने या ना माने लोकसभा की मर्जी ठीक चलो नेक्स्ट द ट्वेल्थ शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इश्यू वॉज एडिड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ट्वेल्थ शेड्यूल ट्वेल्थ शेड्यूल का मतलब म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपैलिटीज की जो बात की गई है बताइए म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई है Which of these? तो ये यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये काफी सिंपल है ओके एंड द आंसर इज ऑप्शन डी द सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट क्लियर तो सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है उसने यहां पर जो है म्युनिसपेलिटीज को लाए सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट वॉज फॉर पंचायती राज ठीक है सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट जो था वो पंचायती राज के लिए क्लियर नेक्स्ट ओके नेक्स्ट विच दी फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिराइव फ्रॉम दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बताइए इनमें से कौन सा फीचर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है विच ऑफ दीज विच फीचर हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विच फीचर हैजबीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बताइए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा फीचर लिया गया है ओके okay. अब देखिए फर्स्ट अगर आता है कैबिनेट सिस्टम ओके कैबिनेट सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ये तो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया ठीक उसके बाद बाकी फंडामेंटल राइट्स येस इट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएस ओके रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ओके जिसे आप लोग बोल सकते हैं प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ जज भी कई जगह लिखा जाता है ओके, तो प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ जज क्लियर और फोर्थ है जुडिशियल रिव्यू क्लियर सो द करेक्ट आंसर हेयर इन इज ऑप्शन डी टू थ्री एंड फोर क्लियर चलो ओके भाई पॉलिटी के क्वेश्चन तो अधिकतर टॉपिक्स यहां पे कवर हो जाते हैं क्लासेस सीरीज uh, में ही ठीक है बताइए दंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट एक्ट अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विच अमंग्स दी फॉलोइंग आर्टिकल हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई बजाइए बताइए हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट एक्ट हिंट भी दे देता हूं ठीक है दैट इज टेन परसेंट रिजर्वेशन टू दब्ल्यू एस ठीक है दस परसेंट रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यू एस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कैटेगरी थी उसमें बताइए विच ऑफ दीज हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट एक्ट इनमें से किस आर्टिकल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है बताइए ईडब्ल्यू एस को जो टेन परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है विच ऑफ दीज ओके okay. अब देखो सबसे पहले अगर हम देखते हैं आर्टिकल फिफ्टीन और आर्टिकल सिक्सटीन आर्टिकल फिफ्टीन और आर्टिकल सिक्सटीन के हिसाब से यहां सिंपल बोला गया स्पेशल प्रोविजन फॉर ईडब्ल्यू एस क्लियर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है क्लियर उनके लिए दोनों ही जगह ये बात की गई क्लियर एक जगह आपका इन जनरल आप ये बात करते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दी ग्राउंड उसमें भी आया और आर्टिकल सिक्सटीन इज एम्प्लॉयमेंट ठीक इसके बाद आर्टिकल 46 सिक्स डी में भी बात की गई कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए भी प्रावधान बनाए जाने चाहिए ओके सो दस आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव ठीक ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर हेयर ठीक चलो नेक्स्ट बताइए, अमेंडमेंट एक्ट बताइए फोर्टी फोर्थ आप ध्यान रखिएगा फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी एट ओके इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार हटी मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आई ओके okay? बताइए विच ऑफ दीज चेंजेस कौन कौन से चेंजेस जो थे वो फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के बाद बनाए गए थे विच ऑफ दीज जेस वर इंट्रोड्यूसड बाई दमेंडमेंट एक्ट बताइए फर्स्ट एन एमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन दी रेफरेंस ऑफ रिटर्न एडवाइस बिल्कुल ठीक यहां पर रिटर्न ओके इससे पहले अर्लियर ओवरल एडवाइस जो था उस पर भी लगाया जाता था ठीक एडवाइस पर एडवाइस पे 1975 की इमरजेंसी लगाई गई तो 1978 में स्पेसिफिकली ऐड किया गया कि रिटर्न एडवाइस पर होना चाहिए क्लियर सेकेंड राइट ऑफ मीडिया टू रिपोर्ट फ्री एंडिंग बोली जाती है उसमें यह कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी गई इसीलिए आप कई बार पढ़ते हैं कि आर्टिकल ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो है उन्हें भी स्पेसिफिकली अपहोल्ड किया गया वो इसीलिए कि लोगों की जो आजादी है वो एब्सोल्यूटली खत्म ना कर दी जाए ठीक थर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड वॉज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए क्लियर तो यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसे एक लीगल राइट right बना दिया गया लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया और फंडामेंटल राइट की लिस्ट से उसे हटा दिया गया क्लियर ओके सो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी ठीक नेक्स्ट okay. विच FOLLOWING IS INCORRECT REGARDING रिगार्डिंग NATIONAL ग्रीन ट्रिब्यूनल आप देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है दैट बेसिकली टेक्स अप केसेस ओके ऑफ ऑल environment रिलेटेड disputes, ठीक है एनवायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट जो है उनसे रिलेटेड सभी केसेस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं ठीक है आपको यह बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ध्यान में रखते हुए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताइए अंशु जी लीगल राइट का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से एक अधिकार जिसे कानूनी तौर पर यहां पर संरक्षण प्रदान किया गया हो ठीक है जिसका अगर उल्लंघन होता है तो कानून में उसका संरक्षण दिया गया है ठीक बताइए विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अब फर्स्ट स्टेटमेंट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ स्टेच्यूटरी बॉडी बिल्कुल ठीक है इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ठीक है ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है ओके सेकंड स्टेटमेंट दी एनजीटी बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू मेंबर्स इंक्लूडिंग एन एक्सपर्ट इन फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट तो यहां पर दो नहीं चार मेंबर्स होते हैं क्लियर सो इट डज नॉट हैव टू मेंबर्स बट इट हैज गॉट फोर मेंबर्स क्लियर अब आप देख सकते हैं कि ये जो चेंजेस हैं वो काफी ज्यादा हो रहे हैं ठीक है अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली अगर आपने कल का ही न्यूज देखी हो तो कल की न्यूज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सी ठीक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके भी सर्विस रूल्स को थोड़ा सा ब्रॉडन किया है वाइडन अप किया है अभी तक वो ऑफिस जो सिर्फ एक फोर स्टार जनरल रैंक के लिए रिजर्व था नाउ दैट ऑफिस हैज आल्सो बीन ओपनड एन ऑफिसर ऑफ अ थ्री स्टार जनरल रैंक मतलब अब उस पद पर कोई लेफ्टिनेंट जनरल एयर मार्शल या वाइस एडमिरल पद के अधिकारी को भी नियुक्त किया जा सकता है ठीक क्या? तो ये जो अब रीसेंट अपडेट हो रही है जो चेंजेस हो रहे हैं, प्लीज डू नॉट इग्नोर देम। एग्जाम में क्वेश्चन ये जो नए नए एक्सेप्शन क्रिएट हो रहे हैं इनसे ही पूछे जाएंगे ठीक चलिए नेक्स्ट ओके सो आंसर ओके यहां पर अगर हम देखते हैं आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड फॉर दी प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात इनमें से किस संविधान में दी गई है क्लियर अरे नहीं गोग जी कोई रूल नहीं है देखो जजेस का रिमूवल पार्लियामेंट का प्रोसीजर है कोर्ट का प्रोसीजर थोड़ी है क्लियर दैट इज पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बताइए विच ऑफ दीज सिंपल आर्टिकल okay. तो है आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिकल सेवेंटी फोर तो आर्टिकल सेवेंटी फोर कहता है दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर चलो नेक्स्ट फॉलोइंगज ऑर आर नॉट दी पार्डनिंग पावर ऑफ देंट बताइए इनमें से कौन सी पार्डनिंग पावर नहीं है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की विच ऑफ दॉ पार्डनिंग पावर ऑफ द अरे अनुष्का जी कर लेंगे आपको कोई और जरूरी काम के लिए जाना हो तो आप रहने दीजिएगा आप सेशन बाद में देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है ठीक अभी जितने क्वेश्चन चल रहे है, करते रहिए प्रैक्टिस बताइए विच अमंग दी फॉलोइंग इज और आर नॉट दी पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बताइए अरे सूरज मिश्रा जी अगले महीने तक एक्सपेक्टेड डेट्स आ जाएंगी ओके चलो अब यहां पर अगर हम देखते हैं रिप्रीव रेमिट कम्यूट ओके ये सब है इसके साथ साथ पार्डन भी है ओके तो पार्डन कम्यूटेशन रेमिशन रेस्पाइट और रिप्रीव क्लियर ये पांच यहां पर पार्डनिंग पावर्स हैं ओके चलो सो so आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव क्लियर ऑप्शन डी नन ऑफ दब इज द आंसर क्लियर नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जूरिस्टिक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल एडवाइजरी जूरिस्टिक्शन और सिंपल क्वेश्चन ये आप देखते हैं कि मैं सेशन में रोज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी लाता हूं जो आपके स्पेसिफिकली सीडीएस और सीएपीएफ के लिए होते हैं और एंड में यहां पर वन लाइनर लेकर आता हूं जो कैट के लिए रेलेवेंट है ठीक है चलिए ओके बताइए ऑफ दीज विच आर्टिकल हैज गॉट दी जूरिस्टिक्शन एडवाइजरी जूरिस्टिक्शन जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है एडवाइजरी मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइज लेते हैं ओके एंड इट इज गिवन अंडर आर्टिकल वन फोर थ्री वन फोर्टी थ्री ठीक है सो आर्टिकल वन फोर्टी थ्री में यह प्रावधान जो है वो दिए गए हैं ओके नेक्स्ट हुज दावर और अथॉरिटी टू ट्रांसफर वन हाईकोर्ट जो जज टू दी अदर बताइए हाईकोर्ट के जज को तक ट्रांसफर कौन कर सकते हैं हु कैन ट्रांसफर दज ऑफ हाईकोर्ट बताइए हु कैन ट्रांसफर द जज ऑफ हाईकोर्ट बताइए हु हैज दावर ऑफ अथॉरिटी टू ट्रांसफर वन हाईकोर्ट जज टू दी अनदर हाईकोर्ट बताइए ओके सो सिंपल यहां पर अब देखिए हाई कोर्ट के जज जो हैं ठीक है थीके, उनका चाहे अपॉइंटमेंट हो रिमूवल हो और फॉर दैट मीटर मैटर इवन ट्रांसफर की अगर बात की जाए क्लियर ऑल ऑफ दीज आर अंडर ओके ऑल ऑफ दीज आर अंडर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर बट आंसर ऑफ ऑफ दी आंसर नंसर क्यों है क्योंकि यहां स्टेटमेंट लिखी हुई है प्र, प्रेजिडेंट ऑन हिज ओन अब ये गलत है ठीक है वाई इट इज रॉन्ग देखो यहां पर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है जब जज को ट्रांसफर करना होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन भेजी जाती है सीजेआई के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कंसल्ट करते हैं फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है क्लियर यहां पर आप ये देखते हैं कि चार सीनियर मोस्ट जजेस तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करते हैं प्लस उसके साथ वन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर जजेस ट्रांसफर्ड एंड सेकेंड टू टू वेयर जजेस ज्वाइनिंग ठीक है क्लियर तो यहां ध्यान रखो कि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंडिया ये छह लोग हैं जिनसे कंसल्ट करेंगे ठीक है अगर सपोज दिल्ली हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होना है अलाहाबाद कोर्ट ठीक है तो चार सीने जज सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंड करेंगे फिर एक यहां पर फॉर दैट मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे कंसल्ट किया जाएगा और दूसरा जो अलाहाबाद कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया जाएगा क्लियर रिकमेंडेशन दोबारा से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी जो आगे भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्लियर आई होप यह पूरा प्रोसीजर समझ आ गया है। ध्यान रखिएगा कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट के केस में जजेस ऑफ हाई कोर्ट के केस में यहां पर एक तरीके से ओके अपॉइंटमेंट रिमूवल और ट्रांसफर ये तीनों चीजें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है क्लियर उसके बाद सिर्फ ओथ जो है डन बाय दी गवर्नर ओथ यहां पर गवर्नर जो है उसके द्वारा ये ओथ एडमिनिस्टर मतलब शपथ गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है बाकी सब चीजें यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा क्लियर ओके okay. आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दी अवफ ओके नेक्स्ट अब अगला सवाल ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ टू और मोर स्टेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट ईयरली रिपोर्ट टू विच अमंग ऑफ दॉलोइंग बताइए विच ऑफ दिस अरे बिल्कुल सुमन जी यू कैन गो थ्रू जेग एंट्री जेग एंट्री के थ्रू जा सकते हैं कैन गो थ्रू जेग एंट्री बताइए अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ टू और मोर स्टेट्स सबमिट रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे हाँ सब आंख बंद करके भैया सब गलत आंसर दे रहे हैं देखिए अब ये जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इट इज स्टेच्यूटरी बॉडी इट इज अ स्टेच्यूटरी बॉडी ठीक है अब ये जो स्टेच्यूटरी बॉडी है पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है ठीक है और दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसे कंडक्ट करने के लिए बनाई गई तो यहां पर ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट ठीक है जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स को क्लियर ओके okay. कोई गवर्नर प्रेसिडेंट को नहीं देते यहां सिंपल ये सिर्फ गवर्नर को दी जाती है रिपोर्ट क्लियर प्रेसिडेंट तो सिर्फ यहां पर अपॉइंटमेंट करते हैं उनका रिमूवल करते हैं क्लियर काम तो ये स्टेट्स के लिए ही कर रहे हैं ना काम तो ये राज्यों के लिए ही करते हैं ये जॉइंट सर्विस जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो ये अपनी जो रिपोर्ट है वो भी गवर्नर्स को ही सबमिट करेंगे क्लियर चलो नेक्स्ट ओके okay. बीबी का मकबरा इज अ रेप्लिका ऑफ ताजमहल इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम बताइए बीबी का मकबरा कंस्ट्रक्टेड बाय हुम बताइए भाई बीबी का मकबरा इज कंस्ट्रक्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम ओके okay. तो यहां पर आप ये देखते हैं बीबी का मकबरा बेसिकली औरंगजेब ने बनवाया अपनी बेगम रबिया दुर्रानी के लिए ओके okay. औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया गया स्टार्टिंग इट वाज डन बाय औरंगजेब एंड लेटर ऑन इट वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन आजम शाह ओके नेक्स्ट सो आंसर इज ऑप्शन सी औरंगजेब ओके नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग बैटल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओके फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ तरेन बैटल ऑफ चौसा बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ पानीपत बताइए 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 विच ऑफ दीस क्या यहां पर होगा आंसर अब यहां पर अगर हम देखते हैं सेकंड बैटल ऑफ तरेन ओके सेकंड बैटल ऑफ तरेन आपका मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान ओके आपकी उस समय हो गई ठीक बैटल ऑफ चौसा बैटल ऑफ चौसा अगर आप देखते हैं तो बैटल ऑफ चौसा वॉज बेसिकली इंटरजेक्शन ऑफ अफगान बैक दी मुगल एम्पायर ओके शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं क्लियर देन बैटल ऑफ खानवा एट द टाइम ऑफ बाबर ओके एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ओके एट द टाइम ऑफ अकबर क्लियर तो ये लड़ाई आपकी गौरी के समय पर लड़ी गई ठीक है यह आप लोगों की लड़ी गई हुमायूं के समय पर देन बैटल ऑफ खांडवा बावर के समय पर और बैटल ऑफ पानीपत अकबर के समय पर क्लियर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी वन थ्री टू फोर इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी क्लियर चलो नेक्स्ट मूविंग अहेड विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑफिसर ड्यूरिंग दी मुगल एम्पायर बताइए इनमें से कौन सा अधिकारी नहीं था मुगल्स के समय पर बताइए विच ऑफ दीज हु नॉट एन ऑफिसर ड्यूरिंग दी टाइम्स ऑफ मुगल्स कई बार ना आप लोग डर जाते हो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था कि डेट याद रखो अरे भैया डेट सोचनी नहीं है क्वेश्चन आए क्रोनोलॉजी का एक लंबी सांस लेके बस ये सोचो किसके बीच में हुई थी फिर अपने आप आंसर आ जाएगा ठीक बताइए विच ऑफ दॉज नॉट एन ऑफिसर ड्यूरिंग द मुगल एंपायर बताइए ओके अब देखिए काजी आमिल मुस्तखराज और कोतवाल ये जो मुस्तखराज का ऑफिस है इट वॉज बेसिकली लैंड रेवेन्यू कलेक्टर ड्यूरिंग दाइम्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ठीक है अलाउद्दीन खिलजी के समय पर लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पर मुस्तराज अपॉइंट किया गया था ऑप्शन सी क्लियर मुस्तक राज नेक्स्ट बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड टू को मेमोरेट अकबर विक्ट्री ओवर विच प्लेस बताइए यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में और एक दूसरी तरीके से पूछा गया था वो भी बताऊंगा बताइए बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड टू को मेमोरेट विक्ट्री ओवर विच प्लेस बताइए बुलंद दरवाजा अरे कोई बात नहीं कार्तिकेय जी पर रिवीजन सबकी करा दूंगे बताइए अब देखिए यहां पर दी आंसर इज ऑप्शन ए ओवर दी सल्तनत ऑफ गुजरात ठीक है बुलंद दरवाजा बनवाया गया पंद्रह में 1575 में बैटल ऑफ गुजरात लड़ा गया 1572 में क्लियर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया व्हेन डिड अकबर विटनेस सी फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम क्लियर पहली बार अकबर ने समुद्र कब देखा अब आप सोचोगे कि अरे सर ये क्या सवाल यूपीएससी ने पूछ लिया कि समुद्र कब देखा था और बाकी कब देखा हो क्या पता बट इफ यू गो बाय द लॉजिक ओके 1572 में सबसे पहले गुजरात की यहां लड़ाई लड़ी गई गुजरात पर कब्जा किया जिसके बाद यह बुलंद दरवाजा बनवाया गया ठीक है so, सो बुलंद दरवाजा वॉज बेसिकली टू कोमेमोरेट दिक्ट्री को को ओवर गुजरात ओके दैट वाज इन 1572 क्लियर ओके चलो नेक्स्ट ऑफिशियल सपोर्ट फॉर हज पिलग्रिमेज वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय विच रूलर बताइए ऑफिशियल सपोर्ट फॉर हज पिलग्रिमेज वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय विच रूलर बताइए येस कैलाशी जी इट हैपन्स डेली एंड इट स्टार्ट फ्रॉम टू पीएम ऑनवर्ड्स बताइए विच ऑफ दीज बताइए ओके, सो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन ए अकबर क्लियर सो ऑफिशियल सपोर्ट फॉर दी हल हल हज पिलग्रीमेज फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम हज यात्रा के लिए पहली बार जो एक आधिकारिक सहायता थी वो अकबर के द्वारा दी गई क्लियर नेक्स्ट मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय हुम बताइए मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय हुम फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन की ही अगर हम बात कर लें तो बता दीजिएगा बताइए इट वॉज डिफीट इट वॉज बाय हुम सुमन जी हो जाएगा पर देखिए अगर आपने पहले थियरी ना पढ़ी हो तो क्वेश्चंस के साथ कोरिलेशन मुश्किल हो जाता है ओके okay, तो एक बार थियोरी पढ़नी जो है वो बहुत जरूरी है क्लियर चलिए सो द करेक्ट आंसर हेयर इन ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान ठीक है तो यहां पर आप ये देख सकते हैं मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान ओके बिल्कुल दीपिका जी सारे एसएसबी इंटरव्यूज जो हैं वो इंग्लिश में ही हैं, ठीक चलिए एंड दी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज़ डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ हुम नालंदा यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई थी बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग बोलते हैं कि बिल्ट बाय कुमार गुप्ता बिल्ट बाय कुमार गुप्ता ठीक है उनके द्वारा बनाई गई थी और इसे डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया गया द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ठीक है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है उसके द्वारा ये जो यूनिवर्सिटी थी ये डिस्ट्रॉय की गई थी ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ गौरी क्लियर चलिए तो आज के सेशन में इतना ही सो दिस वॉज इफेक्टिवली ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे अच्छा इसके साथ साथ जो आकाश सर की सीरीज है सीरीज है दट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टेंथ ऑफ जून ठीक है टेंथ ऑफ जून डेली सेवन पीएम ऑनवर्ड्स डेली बजे से स्टार्ट हो रही है वो सीरीज क्लियर सो वेरी गुड फॉर यू टू रिवाइज ऑलमोस्ट वन फोर्थ ऑफ दी के okay? इसके आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा ठीक है सेकेंडली आप लोग बाइजूज प्रेप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ रिटर्न एग्जाम और एस एस बी इंटरव्यू दोनों की तैयारी कर सकते हैं क्लियर आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर सकते इसके साथ साथ ये जो सीरीज है एटथ जून यानी कि आज इसका ओपनिंग है ठीक है सो टुडे यू विल अफेक्टिवली हैव इट क्लियर तो यहां पर सात बजे बाइजूज एग्जाम प्रेप ऐप पर यह सीरीज आपको मिलेगी ठीक है आज सर आपको पूरा प्लान शेड्यूल सारी चीजें बता देंगे ठीक है और इसके साथ साथ फ्रॉम टेंथ ऑनवर्ड्स इफेक्टिवली विल स्टार्ट ऑफ विद एवरीथिंग क्लियर। सो आज के सेशन में इतना ही आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव एंजॉयड इट टुडे। जो लोग सेशन में लेट आए थे आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू वॉच दी सेशन अगेन इफ यू मिस्ड इट आउट क्लियर सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन जय हिंद